क्या है ये? डार्क चॉकलेट थिक शेक। ट्राई करो, बताओ कैसा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं हूँ नडियाद में। कल मैं यहाँ आ गया हूँ नडियाद, मेरी मासी के घर, और ये मेरा कज़िन है। एक्चुअली में आपने दो ब्लॉग पहले देखा होगा कि हमने नडियाद में काफ़ी एंजॉय किया था, न्यू ईयर एंजॉय किया था और संतरम टेम्पल देखा था। तो आज मैं आया हूँ नडियाद एक दिन के लिए, और आज हम नडियाद घूमेंगे और यहाँ का फूड ट्राई करने वाले हैं। यहाँ फूड यानी यहाँ की जो फेमस चीज़ें वो हम ट्राई करने वाले हैं। तो ईशान चलते हैं। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से और एक दो जगह देखने लायक वो भी देखेंगे, और साथ में यहाँ का फेमस फूड भी हम ट्राई करेंगे। घर आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से कैसा लग रहा है घर। और मुझे ये जगह इसलिए पसंद है, देखिए ये जगह कितनी खूबसूरत लग रही है। गार्डन भी, हाँ गार्डन भी है। तो हम यहाँ गार्डन में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं ना ईशान। एक्चुअली में अभी ये आप देख रहे हैं थोड़ा ठीक नहीं लग रहा होगा, बिकॉज ये लोग सब रहते हैं यूएसए में और अभी आए हैं छुट्टियों में, तो अभी ये सब ठीक करवाना है। अदरवाइज हम पहले जब हर साल आते थे तो यहाँ बहुत एंजॉय करते थे, है ना ईशान? हाँ बहुत एंजॉय करते थे। हाँ, क्योंकि यहाँ सब हम बैठते थे, खाना वाना वगैरह यहाँ खाते थे, डिनर भी कई बार हमने यहाँ किया हुआ है ना। हाँ। तो चलिए अब चलते हैं नडियाद को एक्सप्लोर करने के लिए। निकल चुके हैं और अभी हम कहाँ जाने वाले हैं ईशा? संतरम महाराज का एक छोटा सा दूसरा टेम्पल है, वहाँ हम जाने वाले हैं, है ना ईशान? हाँ, उसको क्या बोलते हैं, संतरम डेरी बोलते हैं ना, संतरम मंदिर बोलते हैं। नहीं नहीं, संतरम डेरी। हाँ संतरम डेरी। तो पहले वो आपको दिखा देते हैं और उसके बाद हम करेंगे पेट पूजा। फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ संतरम टेम्पल, आपको दिखा देते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। तो ये उसका एंट्रेंस है और अंदर जाके आपको दिखा भी देते हैं कि कैसा है ये जगह, कैसी है ईशान? तो ईशान कैसी है ये जगह, कैसी लगी? बहुत अच्छी है। और तुम जब यूएसए गए थे उसके बाद ये इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हुआ है ईशान? बहुत इम्प्रूवमेंट, पहले से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि ये पहले बहुत छोटी जगह थी ना जैसे हम जब आते थे तब, और अभी बहुत ही बड़ी। अभी ये देखिए आप, ये देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा लग रहा है, देखो ये नारियल कट रही है ना, कोकोनट बहुत ही खूबसूरत है ईशा, बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ हम संतरम टेम्पल आपको दिखा देते हैं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया है संतरम टेम्पल, ये जगह बहुत खूबसूरत है ना ईशान? हाँ बहुत खूबसूरत है। जूते निकाल दिए? हाँ, कहाँ निकल, वहाँ निकलना है, मैं आता हूँ निकल के। हाँ ये पादुका चिन्ह है और ये रहा टेम्पल, भगवान दत्तात्रेय का मूर्ति है ना अंदर, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन ये बीच में कांच है इसलिए आपको थोड़ा दिखेगा नहीं ठीक से, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और कितनी शांति है ना, शांति कितनी है यहाँ से दिखेगा। बीच में ग्लास है ना इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। कहाँ गए ईशान? ईशान यहाँ आ जाओ, प्रसाद ले लो ना ईशान, प्रसाद ले लो, यहाँ का प्रसाद अच्छा होता है। तो चलो दर्शन करके निकलते हैं फिर, ठीक है? ठीक है। तो पहले क्या खाना है बोलो? दाल पूरी। येसु पहले दाल पूरी जाना है या पफ? पफ जो भी, दोनों ही अच्छा है। एक्चुअली में नडियाद की जो फेमस चीजें हैं हम वो आज खाने वाले हैं और आपको दिखाएंगे भी। तो दो तीन चीजें हमने सिलेक्ट कर रखी है, तो उसमें से पहले यहाँ का फेमस है दाल पकवान है ना, या दाल पूरी। तो पहले देखते हैं क्योंकि वो जल्दी बंद हो जाता है, तो पहले चलेंगे वहाँ। हाँ तो हमने दाल पूरी ले ली है और पकवान नहीं था, तो दाल पूरी ले ली है, वो घर जाके खाएंगे, तो आपको घर पे जाके दिखाएंगे कि कैसी है ये दाल पूरी। और अभी हम खाएंगे यहाँ का फेमस पफ, ठीक है ना? हाँ। तो पहले खाने जाते हैं पफ। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ नडियाद का फेमस पफ। तो यहाँ देखिए ये श्रेयस पफ, श्रेयस बेकरी उसमें से हम लेंगे पफ, तो आपको दिखा दे कि कैसा है। ये आ गया है हमारा पफ, और कितने का था ऐसा, प्राइस क्या था? 15 रुपीज़, 15 रुपये का। ईशान टेस्ट करके बताओ कैसा है।
गरम है। मेरा तो लाओ। अरे खाओ, नहीं खा पाओगे, थोड़ा खाओ। कैसा लग रहा है बताओ? अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा है। अनबिलीवेबल। देखो ये मेरा पफ आ गया और मैं ट्राई करता हूँ। ये सब ये पटेल बेकरी से भी अच्छा है। इट्स गुड। ईशान, ये हमने दूसरा पफ लिया है, कैसा लगा ईशान? ये अलग है, ये मलाई वाला है। देखो ये दिख रही है मलाई, मलाई नीचे है ना, वो पफ सेम टू सेम है लेकिन इसमें मलाई ऐड किया हुआ है। कैसा लगा ये? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा कैसा लगा ये तुम्हें? क्या लेने आए? फ्रेंकी लेने आए हैं। चीज फ्रेंकी है ना? चीज फ्रेंकी। जगह का नाम क्या है? सेमी फूड पार्लर। ओके, ये रहा। और ये इसका मेनू है? ऐसा ही है। ये रहा मेनू, पहले से ऐसा ही था। और हम लिए चीज फ्रेंकी। हाँ, तो हमने ले लिए ये नडियाद की फेमस फ्रेंकी सेप्पी पार्लर में से, है ना। और ये जगह है नडियाद कॉलेज रोड पे, है ना। कौन सा सर्कल? वाणियावाड़ सर्कल। ओके, वाणियावाड़ सर्कल कॉलेज रोड। तो ये फ्रेंकी देखिए, तो टेस्ट करके बता दो कैसा है। बहुत ही अच्छी है। ईशान तुम बताओ। एक्चुअली में हम तो कई बार खा चुके हैं, उनको पता ही है बहुत अच्छी आती है। है ना, बढ़िया ना? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या खाना है? तो आइसक्रीम। ओके, शेक लूंगा, डार्क चॉकलेट शेक। ओके, और ये देखिए अंदर पूरा चीज़ भरा हुआ है। ये है चीज़ फ्रेंकी, है ना ईशान? हाँ, तो ये है काश्मीरी ड्राई फ्रूट। ईशान ट्राई करो तो कैसा है? बहुत ही ड्राई फ्रूट है, देखो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। ये सो तुम ट्राई करो, दिखने में बहुत अच्छा है ना, ड्राई फ्रूट बहुत सारे हैं। देखो ट्राई करो, डार्क का स्वाद आ रहा है। और दूसरे कौन से दो आइसक्रीम आने वाले हैं? दूसरे डार्क चॉकलेट थिक शेक, या वो मेरा आने वाला है। ओके, कैसा यीशु? बहुत बढ़िया। क्या है ये? डार्क चॉकलेट थिक शेक। ट्राई करो, बताओ कैसा है। यहाँ रखो तो लाइट कम आ रहा है, यहाँ आप दिख रहे हैं। बढ़िया, ये सब तुम ट्राई करो, ये सब दिखने में अच्छा है ना। ये देखो पूरा ठीक है ना, चॉकलेट रूम बढ़िया है। हाँ, तो ये कौन सा है? ये सब ब्राउनी सिज़लर, सिज़लिंग ब्राउनी। ओके, टेस्ट करके तो गरम गरम है, देखो कैसा है। ये पूरी चॉकलेट है ना। किशन टेस्ट तो करो, ये ब्राउनी है देखो, ऐसा ये सब एक मिनट, देखो ये ब्राउनी है। ब्राउनी के साथ खाओ ईशान, कैसा तुम खिला उसको? ये थोड़ा गर्म हो गया, देखा गर्म नहीं है ना? नहीं, ठंड बहुत गर्म नहीं है। कैसा है? अच्छा है ना, बहुत बढ़िया है। दिख रहा है, खा लो, बहुत ही बढ़िया। तो अब घर पे पहुंच चुके हैं मासी, तो हम लाए ये दाल पूरी। वहाँ पकवान भी मिलता था लेकिन अवेलेबल नहीं था, तो हमने सिर्फ दाल पूरी लिया। और फेमस है, बहुत ही ज्यादा क्राउड था मासा। ओ, अच्छा, बहुत ज्यादा क्राउड था। ज्योति दाल पकवान वाला ऐसा नाम था उसका। तो ये पूरी है, नहीं नहीं कब से पुराना ही है। पूरी कैसी है? और दाल दिखा देता हूँ मैं। दाल गरम करनी पड़ेगी कि नहीं करनी है? गरम ही है, बढ़िया है दाल। चलो निकालो कैसा है। हाँ, तो मासी कैसा लगा टेस्ट करके बताओ? टेस्ट तो करो, बहुत ही अच्छा। और मासा आपको? वेरी नाइस, अच्छा है टेस्ट। ओके, ईशान कहाँ गया? अंदर है ईशान। ओके, हाँ, तो हमने आज नडियाद में बहुत सारी जगह पे एक्सप्लोर किया और बहुत ही ज़्यादा खाया है हमने आज। क्या क्या खाया हमने? पफ खाया, फ्रेंकी, और उसके बाद आइसक्रीम, और ये दाल पकवान। वो सब कुछ, दाल तो हमने बहुत नहीं खाई क्योंकि हमारे पेट में जगह ही नहीं थी, लेकिन कैसा लगा ईशान? बहुत खा लिया। तो ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए व्लॉगर सौमिल। बाय।